सो हे गाइस, मैं हूं अकोवाई शेकोवाई, स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। OB35 अपडेट हो चुका है और हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारा कैटर का एबिलिटी के ऊपर रीवर्क किया गया है, मींस एडजस्ट किया गया है, लेकिन मैं इस बार थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं। रीजन क्या है जरूर बताऊंगा गाइस। ओके, तो बात करेंगे कौन कौन सा कैटर का स्किल को एडजस्ट किया गया है, एंड हर बार की तरह इस बार भी एक न्यू गन आया है जिसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर आएगा, लेकिन इस बार भी बहुत सारा वेपन को एडजस्ट किया गया है। तो सबसे पहले कैरेक्टर का बात करेंगे एंड देन बात करेंगे कौन कौन सा गन को एडजस्ट किया गया है। तो फर्स्ट कैरेक्टर है एंटोनियो कैरेक्टर, इसका एबिलिटी को थोड़ा इंक्रीज किया गया है। पहले एवरी राउंड में 35 एचपी देता था, बट अभी 40 एचपी देगा। आप एंटोनियो को सीएस में यूज कर सकते हो। और अभी तो क्लास कोड का न्यू सीजन आ चुका है, अगर आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन वाला वीडियो चाहिए देन कमेंट करो। देन सेकंड कैरेक्टर है एंड्रू, इसका एबिलिटी भी इंक्रीज हुआ है। पहले वेस्ट का ड्यूरेबिलिटी 12% का था, अभी 20% हो गया है। देन थर्ड कैरेक्टर जिसको मैं पहले बहुत यूज किया करता था जब मेरे पास एक्टिव स्किल कैरेक्टर नहीं था, मिगुएल कैरेक्टर, इसका एबिलिटी को भी इंक्रीज किया गया है और मैं बहुत खुश हूँ, अगेन मैं मिगुएल कैरेक्टर को यूज करूंगा। पहले मिगुएल कैरेक्टर किल करने से 80 ईपी देता था, बट अभी नॉक डाउन करने से 80 ईपी देगा। फुल मैप एंड क्लास स्क्वाड में यूज होने वाला कैरेक्टर है गाइस अभी के लिए। देन फोर्थ कैरेक्टर है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, वो है हायातो कैरेक्टर। इसका एबिलिटी को डिक्रीज किया गया है। पहले 10% आर्मर पेनिट्रेट करता था, लेकिन अभी 7% आर्मर पेनिट्रेशन करेगा। फिफ्थ कैरेक्टर है जोसेफ, इसका एबिलिटी को भी डिक्रीज किया गया है। पहले 20% फास्ट स्प्रिंटिंग स्पीड इंक्रीज करता था, लेकिन आफ्टर अपडेट 15% स्प्रिंटिंग स्पीड को इंक्रीज करेगा। एंड लास्ट कैरेक्टर है निकिता। जैसे कि मैं आप लोगों को बोला था SMG कैरेक्टर कॉम्बिनेशन वाले वीडियो में कि निकिता को यूज करके देखो, अभी निकिता का एबिलिटी को और अच्छा कर दिया गया है। SMG वीपन के लास्ट 10 बुलेट में 30% डैमेज इंक्रीज होगा। याद रहे, लास्ट 10 बुलेट में डैमेज इंक्रीज होगा, इसीलिए बार बार रिलोड मत करना गाइस। ओके, तो ये था कुछ कैरेक्टर का एबिलिटी जिसको अपडेट के बाद एडजस्ट किया गया है। आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा कैरेक्टर का एबिलिटी सबसे अच्छा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा मिगुएल का एबिलिटी, आप अपना ओपिनियन दो गाइस। ओके, देन वीपन एडजस्टमेंट का बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में जो बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर लो। और हम रोज यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम करते हैं 3 बजे से लेके 5 बजे तक। अगर आपको हमारे साथ ज्वाइन होना है देन स्टोन ब्रदर लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हम रोज टीम कोड भी देते हैं, आप लोग खेल सकते हो गाइस। ओके, तो कौन कौन सा वेपन को एडजस्ट किया गया है। नंबर 1 फार्मर्स 3 मींस फार्मर्स जेड में 6% आर्मर पेनिट्रेशन इंक्रीज किया गया है। एंड नंबर 2 M14-3 मींस जेड में रेट ऑफ फायर को डिक्रीज किया गया है 6%। नंबर 3 स्कार्स, कार में अभी आपको 6% एक्स्ट्रा डैमेज मिल जाएगा। देन नेक्स्ट नंबर 3 G36 प्रीवियस अपडेट में आया था, इस गन का एट्रीब्यूट्स को इंक्रीज किया गया है। G36 में दो मोड होता है, एक असॉल्ट मोड एंड दूसरा रेंज मोड। तो असॉल्ट मोड में 8% रेट ऑफ फायर इंक्रीज किया गया है एंड रेंज मोड में एक्यूरेसी 12% इंक्रीज किया गया है। देन नेक्स्ट आता है हर बार की तरह UMP। बंदे जितने UMP को यूज कर रहे हैं, गरीना UMP को और ज्यादा टट्टी किए जा रहा है गाइस। इस बार भी UMP में चेंजेस देखने को मिलेगा, -10% आर्मर पेनिट्रेशन डिक्रीज किया गया है। देन नेक्स्ट आता है M24 जो प्रीवियस अपडेट में आया था, इसमें 8% डैमेज को इंक्रीज किया गया, ये एक स्नाइपर है। देन अपना फेवरेट M1887 में 5% रेट ऑफ फायर इंक्रीज किया गया है, 5% इफेक्टिव रेंज इंक्रीज किया गया है एंड 5% डैमेज डिक्रीज किया गया है गाइस। तो थोड़ा डैमेज आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, रेट ऑफ फायर इंक्रीज हो गया, रेंज भी थोड़ा इंक्रीज हो चुका है, डैमेज थोड़ा डिक्रीज हो गया है, तो चलेगा। आप लोग डबल डैमेज वाला स्किन यूज कर सकते हो M1887 में। तो ये कुछ वीपन है जिसको OB35 अपडेट में एडजस्ट किया गया है। मुझे सबसे अच्छा लगा G36 का एडजस्टमेंट। आपको कौन सा वीपन का एडजस्टमेंट अच्छा लगा कमेंट करो गाइस। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आपको न्यू वीपन के ऊपर वीडियो चाहिए देन लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप क्लास स्क्वाड रैंक पुश कर रहे हो देन लेफ्ट साइड वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, एंड राइट साइड में आपको क्लास स्क्वाड के लिए तगड़ा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। और यहाँ से लाइव स्ट्रीम में आ जाना, ट्रोम ब्रदर लाइव चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। जल्दी से जाना, सब्सक्राइब कर लेना। ओके।